हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। बीएसपीसीएल एएलपी या टेक्नीशियन एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो वैकेंसी आई है, ये जो सीआईटीएस होती है, इन सीआईटीएस जो होती है, इन सब के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि निमी बीएचडी सिलेबस रखे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर उधर कहीं 10% ऊपर कहीं 10% नीचे, नहीं सिलेबस वही रखा जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये सभी क्वेश्चन इसी तब जो हम लोग सेशन चल रहे हैं इसी हिसाब से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से देखा करो और सेशन पसंद आया करो, क्वेश्चन पसंद आया करे तो थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि 30 तक हो गए थे, उसके आगे देखते हैं कि चालकता का सूत्र क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और हमको पता है जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी उल्टी होती है, रेसिस्टिविटी को, यानी जो चालकता होती है प्रतिरोधकता की उल्टी होती है, रेसिस्टिविटी यही होती है, और रेसिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी की इकाई की बात करें तो कितनी होती है हमारी, ओम मीटर होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक कंडक्टिविटी दिया है, यहाँ पे कंडक्टेंस देना चाहिए था उसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो गलत है देखो, क्योंकि कंडक्टेंस जब होता है तो उल्टा किसका होता है, रेसिस्टेंस का, ठीक है। इसको दिखाते हैं जी से, इसको दिखाते हैं आर से, मगर ये जो कंडक्टिविटी की बात किया, कंडक्टिविटी को दिखाते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है या फिर क्वेश्चन सही दिया है, तो ये वाला जो पोर्शन है ऑप्शन, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो सिग्मा होती है वन अपॉन रो के बराबर होती है, और ये जो जी होती है वन अपॉन आर के बराबर होती है। तो है तो ये भी सही है, ये भी सही, मगर जो क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी नहीं लिख के इसको कंडक्टेंस लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, कंडक्टेंस लिखना चाहिए था, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सही है। तो याद रखना ये किसका होता है, जी का होता है, यानी कंडक्टेंस न कि कंडक्टिविटी का, ठीक है। कंडक्टिविटी का क्या होता है, ये होता है सिग्मा बराबर वन अपॉन रो, सही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। तो देखो एमसीक्यू तो नहीं है, मगर ये सब जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर कॉन्सेप्ट याद किए हो तो बहुत ज़्यादा तुमको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो सेशन को ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। ससेप्टेंस की का सूत्र क्या होता है, देखो ससेप्टेंस, हालांकि ससेप्टेंस को दिखाते हैं किससे हैं, बी से है, यहाँ पे एस से दिखा दिया है, एस से तो रिलक्टेंस को दिखाते हैं, रिलक्टेंस को दिखाते हैं, ठीक है, बी से ससेप्टेंस को दिखाते हैं। ये जो ससेप्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और इसी में एक जी होता है, जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, वाई बराबर रूट में जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एडमिटेंस की भी इकाई क्या होती है, महो होती है, कंडक्टेंस की भी इकाई क्या होती है, महो होती है, और जो रिएक्टेंस सॉरी जो ससेप्टेंस है इसकी इकाई भी क्या होती है, महो होती है, जिसको बी से दिखाते हैं, सही है। तो देखो भी लिखना, भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वन अपॉन एक्स के। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी वन अपॉन एक्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चालकता, देखो अब यहाँ पे कंडक्टिविटी आ गई, ठीक है, कंडक्टिविटी पूछा है, तो देखो कंडक्टिविटी को लिखते क्या है हम, कंडक्टिविटी को दिखाते हैं सिग्मा से, जो कि क्या होता है, वन अपॉन रो होता है, और रो की इकाई क्या होती है, तो सर बोलते हैं रो की इकाई हमारी होती है ओम मीटर होती है, सही है। तो ये बार बार देखो यही लिख रहा है यहाँ पे गलत, यहाँ पे इसको कंडक्टेंस देना चाहिए, जो कंडक्टिविटी लिख रहा है बार बार इसको कंडक्टेंस लिखना चाहिए, ठीक है।
कंडक्टेंस लिखना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन तुमको बोर्ड में भी मिलते हैं जिसको सही करना पड़ता है, तो हम कंडक्टिविटी के हिसाब से बता रहे हैं। चलो देखो, सिग्मा बराबर 1/ω होता है, तो 1/ω को इसको लिखना चाहें तो 1/ω जो है, यानी 1/ω इंटू 1/m कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो 1/ω है किसके बराबर हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेरे महो को। तो चाहें तो महो पर मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये आंसर होगा कंडक्टिविटी का। ठीक है, जो कि रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी देखो लोग आगे डिस्कस किए थे वाई बराबर वाली कहानी, वाई किसका उल्टा होता है। देखो ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन किसका इन्वर्स होता है। तो रखना, वाई किसका इन्वर्स होता है? 1/z का। जी किसका इन्वर्स होता है? 1/r का। बी किसका इन्वर्स होता है? तो 1/x का, यानी रिएक्टेंस का होता है। सिग्मा यानी कंडक्टिविटी किसकी उल्टी होती? तो रेसिस्टिविटी की। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तुमसे। सही है ना? चलो, तो यहाँ पे जो एडमिटेंस है इसको भी महो से दिखाते हैं। अभी बताए थे इसको भी महो से दिखाते हैं, 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 और इसका तो अभी बताए हैं तुमको महो पर मीटर, अभी बताया ना, तो इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, रूट वाला बताया था ना अभी, कि वाई बराबर इसको ऐसे दिखाते हैं रूट में, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर वाई बराबर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब क्वेश्चन तो हूबहू आते हैं जी तुमसे, और पूछे भी जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कि ये जो तुम्हारे क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्मूला इन केस ऑफ रेजोनेंस केस में कौन कौन सा सही फॉर्मूला है। तो देखो रेजोनेंस केस में क्या क्या हो सकता है। देखो एक्चुअली जब रेजोनेंस बोलता है ना, तो मैक्सिमम याद रखना तुमसे सीरीज रेजोनेंस की ही बात कर रहा है। अगर उसको पैरेलल बोलना होता तो वो बोल देता है पैरेलल रेजोनेंस, नहीं तो वो सीरीज रेजोनेंस की ही बात करता है। ठीक है, तो देखो पहली कहानी क्या होती मेरी, जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि इसमें एक्सएल की वैल्यू जो होती है एक्सी की वैल्यू है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और मिलती है कि जो वीएल की वैल्यू है वो वीसी के बराबर होती है। हाँ वो अलग बात है कि वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है, मगर होती है वीएल बराबर वीसी। तो एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। अच्छा, सीरीज रेजोनेंस में जेड बराबर आर हो जाता है, और करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को याद रखना है। और इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमारी रेजोनेंस पे यूनिटी हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, वी एल इक्वल टू वी सी के बराबर। ठीक है ना, चलो ये सब देखो कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, तुमसे कभी कभी ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा, आउट ऑफ भी पूछता है, परफेक्टर भी पूछता है। ठीक है, इतनी चीज़ें तुमसे पूछा, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तुम्हारे इसी में तैयार हो गए। सही है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा देखो आ ही गया कि क्या होता है फार्मूला। हमको पता भी तुमको बताए थे कि करेक्ट फार्मूला जो होता है इम्पीडेंस निकालने का। देखो सिंपली क्या होता है, इसको मान लेते हैं Vm साइन ओमेगा टी है, क्योंकि एसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे ये R हो जाएगा, और इसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? एक्सएल हो जाएगा, इसका रिएक्टेंस एक्सी हो जाएगा। एक्सएल यानी किसकी बात हो रही है? ओमेगा एल। एक्सी मतलब किसकी बात हो रही है? 1/ωc। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला एग्जैक्ट निकल के आता है वो हो जाता है जो इम्पीडेंस तुल्यांक प्रतिरोध निकल के आता है, एक तरीके से कहें तो R स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये प्लस का साइन देते हैं। अब इसमें अगर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सएल माइनस एक्सी लिखेंगे, एक्सी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो एक्सी लिखेंगे, अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं। सही है, तो इसका सही फार्मूला क्या हो जाता है? जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बट का रूट लेते हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वही लिखा है यहाँ पे, हालांकि इसको ऐसे देना चाहिए था, ठीक है, चलो सही है। और इसकी का यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ओम ही हो जाएगा, सही है ना। और इसमें जब ये बराबर हो जाता है, देखो जब ये वाली चीज़ एक्सल की वैल्यू एक्से की बराबर हो जाती है तो हमारा क्या बचता है, तो रूट में क्या बचेगा केवल कि देखो अगर ये भी दो है तो ये भी दो होगा, तो कट के क्या होगा, जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो हमारा क्या बनता है, आर स्क्वायर। तो ये रूट इसको काट देता है तो हमारी बढ़ती जेड बराबर आर। किस केस में, रेजोनेंस में, क्योंकि रेजोनेंस में ही तुम्हारी किसकी वैल्यू, एक्सल की वैल्यू एक्से की बराबर होती है, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एसी चैप्टर बहुत लोगों का वीक होता है जी, पहले बता दे रहे, एसी चैप्टर अच्छे अच्छे लोगों का वीक होता है, तो अच्छे वीक इसको नहीं बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। देखो अभी बताए थे, एक होती है रेजोनेंस, किसकी रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस की बात करें या पैरेलल रेजोनेंस, कोई दिक्कत नहीं है रेजोनेंस केस में, जिसमें जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है या एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर होती है। देखो एक तरीके से ग्राफ बनाए तो हमारी मान लो एक्ससी ऊपर है और ये एक्सएल नीचे है, दोनों की इक्वल वैल्यू है, ये जितने ओम का है उतने ही ओम का ये है, तो आपस में क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ फेज होने के कारण क्या होते हैं, इनका जो रिलेटेड इफेक्ट है वो क्या होता है, सर्किट से ख़त्म हो जाता है। किसका इफेक्ट केवल रह जाता है, सर वो रह जाता है केवल आर का इफेक्ट रह जाता है, किसका, आर का इफेक्ट रह जाता है। तो अगर किसी सर्किट में केवल आर बचा, ठीक है, किसी सर्किट में केवल आर बचा तो हमको पता है कि आर का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। क्यों यूनिटी होता है, क्योंकि सर रेजिस्टेंस में जो होती है वी आई इन फेज होती है, और हमको पता है कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो सर कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, इसलिए इसकी जो पावर फैक्टर होती है वो कितनी हो जाती है हमारी, वन हो जाती है रेजिडेंस केस में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या पूछ दिया तुमसे कि बताओ कि अनुनादी स्थिति में धारा का मान कितना होगा, धारा का मान कितना होगा, चलो हम देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि एक तरीके से कहें तो ये पूछ रहा है तुमसे, ये चीज लगा दिए, तुमसे ये पूछ रहा है कि आई का मान कितना होगा, तो आई का मान कितना होगा जो इसका तुल्यांक प्रतिरोध होगा, और तुल्यांक प्रतिरोध किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, और यहाँ पे कितना वोल्टेज लगा हुआ है, वी एम साइन ओमेगा टी, कितना वोल्टेज लगा हुआ है उससे मतलब है। तो जेड निकालने का फॉर्मूला तो सबको पता है कि सर जेड निकालना है तो जेड के लिए क्या करते हैं, सर जेड के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर लगा देते हैं। अच्छा, चूंकि ये रेजोनेंस कंडीशन है तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होती है, हमारी एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाती है, तो बचता केवल क्या है, आर बचता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो धारा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज जो कि वी है बटे टोटल प्रतिरोध कितना है हमारा, रेजोनेंस बोला है तो रेजोनेंस में केवल आर के बराबर होता है, उसको ऐसे लिख, जब ये रेजोनेंस बोल दिया तो इसको एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए था केवल वी बाई आर, जो कि किसके बराबर है, जेड है, ठीक है। अगर रेजोनेंस नहीं दिया होता तब इसको ऐसे लिखना पड़ता कि जेड बराबर, फिर कैसे लिखते हैं हम लोग ऐसे में, रूट में आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, हालांकि ऐसा कुछ नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसको ये नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि जब तुम रेजोनेंस बोल दिए तो इसके आएगा ही नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, और तुम लिखे हो तो बस वही टाइम पर आएगा उससे भी वही आंसर, मगर टाइम पास के लिए एक्सएल माइनस एक्ससी लिखे हो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक तरीके से कहें तो, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई बराबर वी बाई आर डायरेक्ट लिख सकते थे, या फिर आई बराबर वी बाई जेड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, वही पुदिया करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता अभी आपको बताए थे कि सर अभी तो आप बताए थे यहाँ पे कि यहाँ पे सर जो जेड की वैल्यू होती है वो आर के बराबर होती है, तो इसमें जो था कि जो तो आपके जो एक्सएल होते थे या जो एक्ससी होते थे
जो कि ओम ही है एक तरीके से, जो कि करंट रोकने का काम करते थे, विरोध करने का काम करते थे, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, अपने आप को ही कैंसिल आउट करके मार लिए। तो सर्किट में केवल आर क्या बचा, आर की वैल्यू बची, जो कि पहले की तुलना में जब एक्सेल एक्सिस है उससे बहुत कम है। तो जब ये कम हो जाते तो उस समय करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमारी आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब कितना बढ़ेगा, तो इतना बढ़ सकता है आराम से कि जिससे हम कह सकें कि मेरा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो आई की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, रेजिडेंस में मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा मेरा, आई की वैल्यू अधिकतम हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसी कुछ चीज़ को एक तरीके से तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा बनवा देगा कि कभी भूलो ना, इसे तरह जब क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इन सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन, अभी बताए थे हम डायग्राम बना रहे थे। ऐसा कुछ था, अभी आपको बताएंगे, जो एक्सेल होता है और ये एक्सी होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, रेजिडेंस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जेड बराबर हम लिखते थे रूट में आर स्क्वायर, और ये प्लस मैटर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये तो वैल्यू रहेगी रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो रहेगी रहेगी, इसके साथ कुछ ना कुछ और जुड़ता था। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू और जुड़ती थी, मगर ये दोनों जब आपस में इक्वल हो गए थे अपने आप को क्या कर दिया, माइनस का साइन, एक्सेल माइनस एक्सी होता है ना, तो ये तो अपने आप को कैंसिल आउट कर लिए, खत्म हो गए। और जब खत्म हो गए तो आर के साथ कुछ जुड़ने के लिए बचा नहीं, तो जो हमारा जो करंट की वैल्यू, सॉरी, जो हमारी रेजिडेंस पर जो इम्पिडेंस की वैल्यू होगी वो सबसे क्या होगी, सबसे न्यूनतम बिंदु पर होगी। कब, रेजिडेंस कंडीशन में। ठीक है, सबसे न्यूनतम बिंदु पर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सर जो जेड की सीरीज रेजिडेंस में सर जो हमारी जेड की वैल्यू है वो क्या है, बहुत कम है, बहुत कम, इससे कम ऊपर भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे अधिक बढ़ सकता मगर इससे कम नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, सबको पता है कि सर अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है f बराबर 1/2π रूट में LC होता है। ये आता कहते हैं एक्चुअली, तो देखो हमको पता है कि ओमेगा l बराबर क्या होता है, 1/ωc के बराबर। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हम अभी आप बताए थे कि सर जो एक्सएल की वैल्यू है किसके बराबर है, एक्सी के बराबर है। तो एक्सएल बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा और ये ओमेगा सी, इसको क्या लिख सकते हैं, 2πfL लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2πfC लिख सकते हैं। अच्छा, 2π यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2π का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इधर चला आया। ठीक है, और सॉरी 2πf भी स्क्वायर हो जाएगा, 2πf स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये LC क्या हो जाएगा, L उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा LC। ठीक है, अब ये इधर जाएगा रूट में, तो ये जो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में नहीं आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 2πf इज इक्वल टू, नीचे बताते हैं, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं ना कि 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। और जब फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी को उधर छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा कितना बन के चलाएगा, तब ये बन के चलाएगा सर f बराबर 1/2π√LC, और ये वही चीज़ें लिखा है 1/2π√LC। सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2π√LC हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब एक चीज याद रखना, उससे सारी चीजें याद हो जाती है, पैरेलल रेजोनेंस एंड जो सीरीज रेजोनेंस होते हैं, मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो क्या होती है, हमारे
अपोजिट होती हैं, यानी इन्वर्सली चलती हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो पैरामीटर होते हैं वो उल्टा चलता है। जैसे उसमें सीरीज में करंट ज़्यादा होता है तो उसमें करंट कम, उसमें इम्पीडेंस कम होता है किसमें, सीरीज में, तो पैरेलल में क्या होती है, ज़्यादा होता है। पावर फैक्टर दोनों की इकाई होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है किसी में ज़्यादा तो किसी में कम होता है, ये हमेशा होते रहता है। ठीक है, उसको वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट बोलते हैं, सीरीज सर्किट को, और तो पैरेलल को करंट मैग्नीफायर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सीरीज में बात करते हैं कि सीरीज का क्या होता है, जेड की वैल्यू क्या होती थी, आर के बराबर होती थी, और उस समय जेड की वैल्यू सबसे मिनिमम होती थी। ठीक है, मगर अगर पैरेलल की बात करेंगे तो जेड वैल्यू इस समय सबसे अधिक वैल्यू होती किसकी, मैं इम्पीडेंस की, किसमें, पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें देखो बहुत याद रखना यार, तुम्हारा जो एलपी का क्वेश्चन आ रहे हैं, एलपी के जो टेक्निशियन के जो पेपर आएंगे उसमें भी पक्का पूछेगा ये, हम बता दे रहे हैं कि एक माइक्रो बराबर कितने होते हैं, एक माइक्रो फैराड या एक माइक्रोमीटर, तो इसको कितना लिखें, 10^-6 फैराड या मीटर। एक नैनोमीटर बराबर, एक नैनो फ्रिक्वेंसी बराबर कितनी होती है, तो लिखते हो 10^-9 फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एक और पूछेगा कि ये बताओ कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो तुम लिखोगे 10^-10 मीटर। ठीक है, इसी तरह 1 pF पूछेगा तो क्या लिखोगे, 10^-12 फैराड। अब देखो ये माइक्रो और एक मेगा में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मेगा फ्रिक्वेंसी तो कितना होता है, 10^6 होता है। ठीक है, एफ। इसी तरह एक पूछता है एक मिली, जो स्मॉल में लिखा होता है एक मिली एम्पियर, तो वो होता है 10^-3। ठीक है, 10^-3 होता है, एम्पियर की बात करते हैं। ठीक है, और एक होता है 1 kA, तो वो कितना होता है, 10^-3 एम्पियर। तो ये सब चीज़ें जो यूनिट पूछी जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो 45 तक है, आज 45 तक क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर इसके बाद जो लेके चलेंगे ये देखो, ये सब चीज़ें जो तुम्हारी हैं, ये सब तो पक्का तुमसे पूछेगा। ये सब चीज़ें जो है ना, एट द पावर फैक्टर की, तो कैपेसिटी लोड क्या होगा, यहाँ से तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और BA PCL वाले। ठीक है, इतना भी आसान मत समझना, पेपर रहेंगे लेवल के। ठीक है, तो सेशन को देखते रहना कंटिन्यू, क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे। और अब साइंस के जो हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराने का सेशन शुरू करने वाले हैं, PPT तैयार, क्वेश्चन कलेक्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, साइंस के भी क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, MV² MgH या फिर गति समीकरण के नियम, उन सब पे सवाल लगाए जाएंगे हम लोग। ठीक है, मोमेंटम, ये सब जो संवेग, ये सब होता है। तो सेशन पसंद है बाबू तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब, और बढ़ भी नहीं रहे मेरे सब्सक्राइबर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे पहली बार हो, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।